तो गाइज इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल 5G लॉन्च करने की तैयारियां तो कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इनकी रियलिटी ये है कि ये हमें 4G स्पीड भी सही से प्रोवाइड नहीं करा पा रही हैं। तो गाइज आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड 5 to 10 times गारंटीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि 5 से 10 गुना अपनी इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यार इस ट्रिक को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करते आ रहा हूँ और यह हर लोकेशन पर वर्क करती है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसे ही कमाल की वीडियोस मिलती रहें। तो गाइज यह ट्रिक ओनली सैमसंग के स्मार्टफोन्स में ही अप्लाई होती है, तो इसके लिए आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि इस मेथड के बिना यहाँ पर कितनी इंटरनेट स्पीड आ रही है। तो स्पीड टेस्ट के लिए गूगल क्रोम ही यूज़ कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर फिलहाल मेरे पास में 1 Mbps की डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रही है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए करना क्या है। तो सबसे पहले आप जिस भी सिम में इंटरनेट यूज़ करते हैं वह स्लॉट नंबर 1 में होनी चाहिए। तो वैसे तो यह ट्रिक सभी सिम पर वर्क करती है, लेकिन अगर आपके पास जियो की सिम है तो इसमें आप 10 गुना तक इंटरनेट स्पीड डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है सैमसंग बैंड सिलेक्शन और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको लॉन्च बैंड सिलेक्शन दिख रहा होगा, इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको 3 lines पर क्लिक करके बैंड सिलेक्शन ओपन कर लेना है। गाइज यहाँ पर आप देख पाएंगे कि काफ़ी सारी बैंड्स शो हो रही हैं और यही इस मेथड का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। गाइज यहाँ पर जियो ऑल ओवर इंडिया में LTE B3, B5 और B40 इन 3 bands पर ऑपरेट करता है। ऐसे ही एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से डिफरेंट बैंड्स पर ऑपरेट करते हैं, तो इनकी जानकारी आप गूगल पर सर्च करके मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी बैंड सेलेक्ट करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका स्मार्टफोन फिलहाल किस बैंड से कनेक्टेड है। तो इसके लिए आपको डायल करना होगा *#0011#। यहाँ पर SIM1 की इन्फॉर्मेशन में आप देख पाएंगे कि आपका स्मार्टफोन फिलहाल किस बैंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अभी मेरा स्मार्टफोन बैंड 3 से कनेक्टेड है। अब आपको फिर से सैमसंग बैंड सिलेक्शन ऐप में आ जाना है और यहाँ से LTE B3, B5 और B40 बैंड्स में से अलग अलग बैंड सेलेक्ट करके स्पीड टेस्ट करना है और जिस भी बैंड में आपको अच्छी स्पीड मिल जाए उसी बैंड को सेलेक्ट करके रख लेना है। तो मुझे पता है कि मेरी लोकेशन पर LTE B5 बैंड में काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। हो सकता है आपकी लोकेशन पर आपको B40 बैंड या फिर B3 बैंड पर अच्छी स्पीड देखने को मिले। यहाँ से मैं B5 बैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो B5 बैंड सेलेक्ट करते ही मोबाइल में सिग्नल्स भी फुल आना स्टार्ट हो गए हैं और अभी स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं कि इंटरनेट की स्पीड में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो गाइज यहाँ पर अब मेरे को 10 से 12 Mbps की डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रही है, जबकि पहले मेरे को 1 Mbps की स्पीड ही देखने को मिल रही थी। तो यार यहाँ पर 10 गुना से भी ज़्यादा डाउनलोड और अपलोड स्पीड बढ़ चुकी है और इस इंटरनेट स्पीड पर HD में आराम से कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।